सब्सक्राइब कीजिए देसी टेक्निकल ज्ञान को और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका दोस्तों हमारी नई वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है वो कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, आज की हमारी वीडियो जो है वो कुछ अलग है। मेरे पास काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि हमारे पास स्पीकर तो है पर हम इसमें FM नहीं चला पा रहे हैं, तो हम आज आपको बताएंगे कि TG113 में आप FM किस तरीके से चला सकते हैं। ये मेथड बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसमें FM चला सकते हैं, पर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो वो परेशान होते रहते हैं, वो सोचते हैं शायद इस स्पीकर में FM नहीं चलता। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप इसमें FM किस तरीके से चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन है, इसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में बेल आइकन है आप इसे भी दबा लीजिए, जिससे आप देख पाएं हमारी अब वीडियो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने स्पीकर को ऑन कर लेना है। तो चलिए मैं स्पीकर ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे स्पीकर ऑन करेंगे ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ मोड पर होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इसे FM मोड पर लेकर आना है दोस्तों। तो चलिए FM मोड। मैं इसकी साउंड थोड़ी कम कर लेता हूँ दोस्तों, काफी तेज साउंड हो रही है इसकी। ये देखिए मैंने इसकी साउंड थोड़ी कम कर ली है, जिससे मैं आपको बता सकूँ अभी ये। इसके बाद आपको करना क्या है, आप इसे स्टेशन सर्च करने के इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप इन बटनों से स्टेशन सर्च कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर एक ऑटो सर्च का ऑप्शन होता है। इसमें आपको करना क्या होता है, ये जो बीच वाला बटन है इसे आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑटो सर्च पर चला जाता है। देखिए अब ये सर्चिंग पे चला गया है, बट हमें इसका ध्यान रखना है, हमें इस बटन पर ही उंगली रखनी है। जैसे ही हमारा कोई सॉन्ग सुनाई दे हमें तुरंत इस बटन को रोकना पड़ेगा, जिससे हमारा स्टेशन वहीं रुक जाए, तो ये सर्चिंग करता रहेगा। इसे सर्चिंग करने में कई बार एक दो मिनट का टाइम लग जाता है, वो आपके एरिया पर डिपेंड करता है, वहाँ सिग्नल अच्छे आते हैं या ख़राब आते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ इतने अच्छे सिग्नल नहीं आते वैसे FM के। चलिए चला करके देखते हैं कि कैसा चलता है। तो देखिए स्टेशन सर्च कर रहा है अभी वो। ये की पर ही उंगली रखनी है आपने, जिससे FM चालू जो कोई भी सिग्नल सुनाई दे हमें तो हम इसे रोक सकें। तो देखिए अभी हमारा सर्चिंग मोड पर है। मैं इसे नीचे रख देता हूँ दोस्तों, अब ये सर्चिंग मोड पर है, देखता हूँ कितनी देर में ये सर्च होता है। क्योंकि यहाँ पर सिग्नल अच्छे नहीं आते हैं FM के, तो इसलिए शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। या मैं इसका आपका एक देसी जुगाड़ बताता हूँ आपको, अगर आपके बीच एरिया में ही दिक्कत है कि आपके सिग्नल सही नहीं आते हैं FM के, तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक बहुत अच्छा जुगाड़ देता हूँ। आपके बॉक्स में इसके एक केबल होगी, ऑक्स केबल, या आपके घर में कोई पुराना ईयरफोन हो आपको वो ले लेना है। इससे आप आसानी से इसके FM के सिग्नल को अच्छा कर सकते हैं। इसको आपको करना क्या है, इस ऑक्स केबल को लेना है आपको और हेडफोन वाले जेक में लगा देना है। AUX मोड, ये लगाते ही आपका ये ऑक्स मोड पे चला जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको दोबारा इसे FM मोड पर लेकर आना है। ब्लूटूथ मोड, FM मोड पर लाने के बाद दोस्तों आपको इसे फिर ऑटो सर्च वाले ऑप्शन पर बटन दबाना है और थोड़ी देर वेट करना है, ये सर्चिंग करेगा अभी। ये देखिए सर्चिंग कर रहा है, फर्स्ट टाइम सर्चिंग में टाइम लेता है, उसके बाद अगर ये एक बार कनेक्ट हो गया तो उसके बाद ये कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद इसे ऑफ भी करेंगे आप तो FM चलता मिलेगा आपको। देखिए ये अभी मेरा स्टेशन आ गया था तो मैंने इसे क्लिक करके रोक दिया। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं प्लस दबाऊंगा तो ये स्टेशन आगे जाएगा और मैं माइनस दबाऊंगा तो ये स्टेशन पीछे जाएगा। मेरा जो सॉन्ग था वो पीछे निकल गया स्टेशन, तो मुझे माइनस वाला बटन एक बार दबाना पड़ेगा। ये देखिए मेरे गाने चलने स्टार्ट हो गए इसके अंदर और इस केबल से सिग्नल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। देखिए
देखिए दोस्तों, ये मेरा एफएम चल चुका है, मेरा एफएम तो दोस्तों आपने इसमें एफएम चलाना कितना आसान है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।